हमारा मैनुअल मशीन है, मतलब हाथ से चलाया जाता है। इसमें क्षमता है, ये 4 mm का जो ब्लैक गोल्ड हमारा केचुआ खाद है, ये बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस में पूरा माल, अच्छा माल जो 4 mm वाला है, बाहर यहाँ होता है। और आप देखेंगे इस साइड कुछ मोटा माल है, कुछ सूखा हुआ है, कुछ पत्थर वगैरह है। इस तरह ये एक्चुअली है खादी, इसको हम वापस से प्रोसेस करते हैं, 2 से 3 बार छानते हैं। आपको सेम यही हम लोग किसान भाइयों को नर्सरियों में देते हैं, इनमें हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। जब भी ये वर्मी कंपोस्ट की छनाई मशीन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डिटेल में हम इसकी वीडियो बनाए। नमस्कार किसान साथियों, मैं जयवर्धन सिंह पटेल आपका स्वागत करता हूं श्री शुभ एग्रो एंड ऑर्गेनिक्स के वर्मी कंपोस्ट के प्लांट में। देखिए किसान साथियों, ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये हमारा वर्मी कंपोस्ट की छनाई मशीन है, जिसमें हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे मोटा माल डालने के बाद फ्रेश वर्मी कंपोस्ट नीचे की साइड जो कि 4 mm का होता है, मोटा माल बाहर आ जाता है। चलिए जानते हैं इसकी पूरी प्रोसेस किस तरीके से होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप आएंगे तो ये जो हमारा वर्मी कंपोस्ट का जो चालना है उसका ऊपर वाला सेक्शन है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मोटा माल है, इसके अंदर पत्थर आते हैं, लकड़ी के टुकड़े आते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिली हुई रहती है, यानी कि मिक्स माल जो है। इसको हम हमारे मशीन में इस तरीके से इनपुट करते हैं, यानी कि डालते हैं। डालने के बाद ये बहुत ही स्लो मोशन में, आप देखेंगे हमारा मैनुअल मशीन है, मतलब हाथ से चलाया जाता है। इसमें छनता है और छनने के बाद ये देखिए 4 mm का जो ब्लैक गोल्ड है, देखिए ये 4 mm का जो ब्लैक गोल्ड हमारा केचुआ खाद है, ये बाहर आ जाता है। देखिए क्वालिटी आप लोगों के सामने है। और देखिए इस साइड आइए, इस प्रोसेस में पूरा माल, अच्छा माल जो 4 mm वाला है, बाहर यहाँ होता है। और आप देखेंगे इस साइड पे, ये देखिए यहाँ पर जो है मोटा माल आता है, जिसके अंदर आप देखेंगे लकड़ी दिख रही है, कुछ मोटा माल है, कुछ सूखा हुआ है, कुछ पत्थर वगैरह है, इस तरीके की जो चीज़ें रहती है। ये वर्मी कंपोस्ट ही है, बट यहाँ पे होता क्या है कि नमी के माध्यम से और जो प्रोसेस जो मशीन गोल चलती है उसमें लड्डू बन जाते हैं। ये देखेंगे आप, ये लड्डू बन गए। ये एक्चुअली है खादी, इसको हम वापस से प्रोसेस करते हैं, 2 से 3 बार छानते हैं। आपको सेम छनने के बाद, पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से ब्लैक गोल्ड प्राप्त होता है। ये देखिए प्योर केचुआ खाद है, और यही हम लोग किसान भाइयों को नर्सरियों में देते हैं। इनमें हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, OWDC है, जीवामृत है, निमास्त्र है, इस तरीके से चीज़ें डालकर किसान भाइयों को उपलब्ध करवाते हैं। तो आपने इस छोटी वीडियो के माध्यम से समझा है कि किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट की छनाई होती है। अगर आप लोगों को भी ये वर्मी कंपोस्ट की छनाई मशीन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डिटेल में हम इसकी वीडियो बनाएंगे क्या इसका साइज़ वगैरह है। और ये 10 बेड से लेके 50 बेड तक का सफिशेंट काम कर देती है।